गिनने में तेरी हार नहीं, तेरे गिनने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़, गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं, इसका कोई सार नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल अगेन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ गुरुकुल धाम कैंपस। सो टुडे आई एम हियर अगेन एक नए एक ऐसे टॉपिक के साथ जिससे आपका समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके सिर्फ एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो मैंने आपको कहा था कि विल स्टडी अबाउट दी यूएनओ प्रिंसिपल्स, कि यूएनओ के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूएनओ का लोगो कैसा दिखता है। सो जो यूएनओ का लोगो है, यूएनओ का लोगो जो है वो हमें कुछ दिखता है कुछ ऐसा, यूएनओ का लोगो हमें दिखता है कुछ ऐसा, जिसमें हमें दिखा रखा है, यूएनओ का लोगो हमें कुछ ऐसा दिखता है जिसमें हम देखते हैं कि जहाँ पर वर्ल्ड दिखाया गया है, वर्ल्ड के साथ ये ऑलिव लीव्स दिखाई गई है, और ऑलिव लीव्स किसका प्रतीक है? ऑलिव लीव्स प्रतीक है शांति का, ऑलिव लीव्स प्रतीक है शांति का। सो हम स्टार्ट करते हैं यूएनओ के प्रिंसिपल्स। आपको एक बुक, जो आपकी बुक है 12th के एनसीईआरटी, उसमें बुक में सभी जो है दे रखे हैं कि कौन-कौन से प्रिंसिपल्स हैं, और हम उन्हीं प्रिंसिपल्स की जो डिस्कशन है वो करते हैं, उन्हीं प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली इसमें आपके जो सिक्स जो है प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, सिक्स प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, और वो प्रिंसिपल्स कौन से हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, वो प्रिंसिपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं, प्रिंसिपल्स डिस्कस हम कर लेते हैं। फर्स्ट है, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट, प्रिंसिपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका जनरल असेंबली। अब आपकी बुक में जो है बहुत ही कंसाइज दे रखा है, जिससे डेफिनेटली आपको समझ नहीं आएगा, मेरे टाइम मुझे भी नहीं आया था। सो हम अच्छे से उसके देखेंगे। दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल। इसके बाद तीसरा आपका है इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी काउंसिल। देन है आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल। फिर उसके बाद में है आपका सेक्रेटरिएट, एंड द लास्ट वन इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब हम वन बाय वन हर एक प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, क्या फंक्शन है। सो लेट्स स्टार्ट विद द जनरल असेंबली फर्स्ट। जनरल असेंबली क्या है? जनरल असेंबली से हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यूएनओ है, यूएन जो है उसे 2001 में नोबेल प्राइज मिल रखा है, 2001 में नोबेल प्राइज। आपको ये पूछा जा सकता है, आपकी बुक में मेंशन है, जो किसके लिए मिला है? पीस के लिए। किसके लिए मिला है? पीस के लिए। सो ये एक बार छोड़ते हैं, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जनरल असेंबली के बारे में। सो जनरल असेंबली, हम इसलिए मैं आपको बता दूं कि जनरल असेंबली को पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। अब पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है तो हम समझ गए कि वहाँ क्या होता है। वहाँ पे किसी भी रेजोल्यूशन पे, प्रपोजल पे डिस्कशन होते हैं, डिबेट होते हैं कि वो चीज़ की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। सो इट्स बेसिकली अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी
जहां पर डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं। और इसके मेंबर्स की अगर बात की जाए कि इसमें मेंबर्स कितने हैं, तो वो है 193। और ये मेंबर्स चूज कैसे किए जाते हैं, तो ये चूज किए जाते हैं जनरल असेंबली में ही। जनरल असेंबली में ही एक डिस्कशन होता है, डिस्कशन होता है, और डिस्कशन के जब एक डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है, फिर रिकमेंडेशन जो है, रिकमेंडेशन दी जाती है बाय सिक्योरिटी काउंसिल। रिकमेंडेशन बाय सिक्योरिटी काउंसिल, फिर एक रिकमेंडेशन जो है सिक्योरिटी काउंसिल से देता है। अब इसकी इसके बारे में अगर हम थोड़ी और डिस्कशन करें, आपके ज़्यादा नहीं दे रखा लेकिन फिर भी डिस्कशन करें, तो इसकी लोकेशन जो है, इसकी लोकेशन लोकेशन जो है वो है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। और वोटिंग सिस्टम क्या है, वोटिंग सिस्टम क्या है, यहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी से भी वोट लिया जाता है, वोट किया जाता है, और सिंपल मेजॉरिटी से भी, सिंपल मेजॉरिटी से। लेकिन ध्यान में रखने की बात यह है कि हर एक कंट्री के पास सिर्फ एक ही वोट होता है। ऐसा नहीं है कि वीटो पावर जिसके पास उसे दो या तीन दे दीजिए, सिर्फ हर एक कंट्री के पास सिर्फ एक ही वोट होता है जिसका वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन की बात की जाए, तो इसकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है वो वेस्ट मिनिस्टर सेंट्रल हॉल जो कि लंदन में है वहाँ हुई थी। सो बेसिकली ये सब कुछ ये जनरल असेंबली के बारे में है। सबसे पहले पार्लियामेंट है, डिबेट और डिस्कशन होते हैं, 193 मेंबर्स है जो जनरल असेंबली में एक डिस्कशन के बाद चूज किए जाते हैं, और रिकमेंडेशन दी जाती है सिक्योरिटी काउंसिल की। यहाँ पर वोटिंग के दो तरीके हैं, सिंपल मेजॉरिटी एंड 2/3 मेजॉरिटी। सभी कंट्रीज के पास एक ही वोट है। और इसके फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी वो थी वेस्ट मिनिस्टर सेंट्रल हॉल लंदन में। ओके, नाउ हम बात करते हैं, दूसरा हमारा है सिक्योरिटी काउंसिल। इससे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं कि जनरल असेंबली कैसी दिखती है, तो जनरल असेंबली पिक्चर से थोड़ा और क्लियर होता है कि हाँ हमारी जनरल असेंबली कैसी दिखती है। सो जनरल असेंबली ऐसी दिखती है यूएनओ की। दिस इज द जनरल असेंबली, दिस इज द जनरल असेंबली ऑफ यूएनओ। सो नाउ हम सिक्योरिटी काउंसिल डिस्कस कर रहे थे, सिक्योरिटी काउंसिल जिसे कहा जाता है बैकबोन ऑफ यूएन। और ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमें पता है कि सिक्योरिटी का मतलब क्या है, सुरक्षा। अब किसी भी चीज की सुरक्षा सबसे पहले मेन होती है, इसीलिए से बैकबोन ऑफ यूएनओ भी कहा जाता है। बेसिकली इसमें 10 मेंबर्स होते हैं, इसमें 10 प्लस 5 15 मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। 15 मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, जो 10 होते हैं वो टेंपरेरी होते हैं, जो हर दो सालों से चेंज होते रहते हैं। कि और ये जो चेंजेस, ये जो नंबर आता है, ये ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से आता है। ओके, फिर उसके बाद में 5 जो है परमानेंट है, और इन्हीं फाइव के पास है वीटो पावर। और ये कौन कौन से हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसएसआर और चाइना। और वीटो पावर का बेसिकली मतलब क्या है, वीटो पावर मतलब एक ऐसी शक्ति जिसमें अगर किसी एक कंट्री ने भी वीटो यूज कर लिया, यानी एक कंट्री ने भी मना कर दिया कि वो सिचुएशन, वो प्रपोजल नहीं आना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो वो सिचुएशन नहीं होती, वो फिर प्रपोजल या रेजोल्यूशन पास नहीं होता।
क्योंकि हम देखते हैं डेमोक्रेसी में क्या होता है कि मेजॉरिटी जब भी होगी मेजॉरिटी का डिसीजन जो है मान्य किया जाता है। लेकिन वीटो पावर में यूं है कि अगर किसी एक भी कंट्री ने मना किया कि वो नहीं होना चाहिए तो वो चीज़ नहीं होती। इसी की वजह से वीटो पावर को यूएन का एक अनडेमोक्रेटिक कैरेक्टर बोला जाता है, अनडेमोक्रेटिक करेक्टर भी बोला जाता है। अब वीटो पावर की अगर बेसिकली यहीं पे थोड़ी सी और बात की जाए तो सबसे पहले फर्स्ट जो यूज किया गया था वो अमेरिका के द्वारा किया गया था और मैक्सिमम यूज किया गया है रशिया के द्वारा। और ये बेसिकली ये इतना क्यों बढ़ा है, ये बेसिकली कोल्ड वॉर के टाइम ज्यादा यूज किया गया था वीटो पावर का। सो दिस इज द होल अबाउट द सिक्योरिटी काउंसिल। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है, नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें बेसिकली क्या कितने मेंबर है, 54 मेंबर्स। चूज कौन करेंगे, जनरल असेंबली। अब इकोनॉमिक से बात ही हमें पता चलेगी क्या इसका गोल हो सकता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट हमें ऐसा करना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या कि हमें डेवलपमेंट है वो ऐसा करना चाहिए कि हमारी आज की जरूरत भी पूरी हो जाए और हमारे जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी हम कुछ सेव कर लें, यानी कि उनकी जो नीड्स है उसको ध्यान में रखकर हमें डेवलपमेंट करना चाहिए। सो बेसिकली जो इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी काउंसिल है वो डील किससे करती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लेकर एक इनोवेशन थिंकिंग, इनोवेशन अबाउट द एनवायरनमेंट, कि कैसे इनोवेशन थिंकिंग से कुछ अच्छे रिजल्ट्स हम लेकर आ सकते हैं। ये है इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी काउंसिल का। इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी काउंसिल अगर देखे कि कैसे दिखती है, तो वो इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी काउंसिल दिखती है हमें ऐसी। दिस इज द इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओ। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल। सो बेसिकली सिचुएशन हम देखते हैं कि जब यूएनओ बना था, जब ये कोल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, तो हमें पता है कि बहुत से कंट्रीज ऐसे थे जिन्हें कुछ नहीं पता था। अब सबके पास हमारे जैसे लीडर्स तो नहीं होते, सो बहुत से कंट्रीज को नहीं पता था कि उन्हें रूलिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, वो क्या करे, रिसोर्सेज का यूज़ कैसे करे, फॉरेन पॉलिसी क्या रखे, ट्रेड कैसे हो, तो वो सब कुछ नहीं पता था। तो यूएनओ ने क्या किया कि ये एक ऐसी प्रिंसिपल बनाई जिसका काम ये था कि ऐसे कंट्रीज जहाँ पर एक इंटरनेशनल गवर्नेंस की ज़रूरत है, जहाँ पर कुछ आइडियाज़ देने की या उन्हें कैसे काम करना चाहिए वो एक बात बताने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर ट्रस्टीशिप काउंसिल काम करेगी। सो बेसिकली इसका फंक्शन क्या था, इंटरनेशनल गवर्नेंस जो है प्रोवाइड करवाना। और इसके बाद में इन्होंने बहुत से कंट्रीज को गवर्नेंस प्रोवाइड करवाई और 1 नवंबर 1994 एक्चुअली होता क्या है कि पल्लव जो है लास्ट ऐसा बचता है जिसे इंटरनेशनल गवर्नेंस की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पर ये अपनी जो एक फैसिलिटी है इंटरनेशनल गवर्नेंस की वो प्रोवाइड करवा देते हैं। और 1 नवंबर 1994 को इनका जो काम है बेसिकली वो कंप्लीट हो जाता है, जिससे फिर ये तय किया जाता है कि क्योंकि अब हमारी ज़रूरत नहीं है, जहाँ हमारा ज़रूरत थी हमारी वहाँ में सॉल्यूशन दिया है, अब क्योंकि हमारी ज़रूरत नहीं है तो हम ऐसा करेंगे कि अब हम रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलेंगे, यानी कि जब अब इसे बंद करते हैं, बंद इन द सेंस कि यूँ नहीं कि हमेशा के लिए, थॉट ये रखा गया, विचार ये रखा गया कि अगर जब भी ज़रूरत पड़ेगी कि कहीं इंटरनेशनल गवर्नेंस चाहिए तब हम आएंगे वापस और सब मिलेंगे और फिर अपना काम शुरू करेंगे, जब तक ऐसी सिचुएशन नहीं आती है तो हम रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलेंगे। एज ए रिजल्ट आज अगर देखें तो ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है काम नहीं करती है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट दी
ट्रस्टीशिप काउंसिल। नेक्स्ट जो है हमारा सेक्रेटरिएट। सेक्रेटरिएट सो इसमें क्या आता है, इसमें सारा यूएनओ का जो स्टाफ है, यूएनओ का स्टाफ प्लस सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल जो है वो मिलाकर जो है सेक्रेटरिएट बनाते हैं। अब ये सेक्रेटरी जनरल कैसे चूज किए जाते हैं, ये सेक्रेटरी जनरल चूज किए जाते हैं जनरल असेंबली के द्वारा, जनरल असेंबली, जनरल असेंबली से इन्हें चूज करते हैं। और इनका टाइम पीरियड क्या रहता है, 5 ईयर्स। और जो हमारे प्रेजेंट के सेक्रेटरी जनरल है वो है एंटोनियो गुटरस, जो 9th नंबर पे सेक्रेटरी जनरल बने हैं। 9th नंबर पे सेक्रेटरी जनरल बने हैं। एक बार अगर हम लिस्ट देखें कि कौन कौन है सेक्रेटरी जनरल जो बने हैं स्टार्टिंग से ही, जो आपको एनसीईआरटी में कभी कभी पूछी भी जा सकती है, सो ये लिस्ट है बेसिकली। सबसे पहले कौन बने हैं, ट्राइग ली 1946 से 52 नॉर्वे से। ये आपको याद करना पड़ेगा कि लिस्ट क्या है, ट्राइग ली, डेग हमर्स होल्ड यू, थांट कोट वालदीन, जेवे पेरिस दी, बुटरस बुटरस गाली, कॉफी अनान, बान की मून, ऐसे ऐसे आपको सारे करने हैं। और इनका टाइम पीरियड भी ध्यान रखना है। हालांकि अगर टाइम पीरियड पे ध्यान देंगे तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। जैसे 1946, 52 के बाद क्या, 53 से 10 साल करना है आगे, तो 61। जैसे अब हम देखते हैं ट्राइग ली, फिर डैग हैमर्स होल्ड करते हैं, यू थांट है, फिर कुर्ट वालदीन है, फिर जेवियर पेरिस दी है, बुटरस बुटरस घाली है, फिर काफी एनान है एंड बांकी मून है। और 9th नंबर पे हमने अभी डिस्कस किया है एंटोनियो गुटरस है। सो ये जो है हमारे सेक्रेटरिएट हमने डिस्कस कर लिया है कि सेक्रेटरिएट क्या होते हैं। और बेसिकली पाँच सालों के लिए इन्हें चूज किया जाता है। और सेक्रेटरी जनरल जो होता है, हेड होता है, यहाँ का हेड होता है सेक्रेटरी जनरल। मतलब एक जब भी बॉडी या कुछ सामने आए कि यूएनओ मतलब क्या, यूएनओ का लोगो, और फिर एक जो पर्सन ध्यान आए तो वो सेक्रेटरी जनरल ही होता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। सो बेसिकली इनका गोल क्या होता है, इस ऑर्गन का, इनका काम होता है कि किसी भी दो स्टेट से किसी के बीच में अगर पावर के बीच में प्रॉब्लम हो रही है, अगर उनमें लड़ाई हो रही है, तो एज पर लॉ एस्टैब्लिश दे विल फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड एंड सॉल्व डिस्प्यूट एज पर लॉ एस्टैब्लिश। जैसे भी लॉ उनका एस्टैब्लिश किया गया है यूएन का, उसके बेसिस पे ये सॉल्व करते हैं, डिसीजंस देते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कि कितने जजेस होते हैं, तो ये 15 जजेस होते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 15 जजेस से मिलकर बनती है। और इनका टाइम पीरियड रहता है 9 साल, 9 ईयर्स। इसके अलावा यहाँ पर जो लैंग्वेजेस चलती हैं वो होती हैं फ्रेंच एंड इंग्लिश। और इसकी लोकेशन की अगर बात की जाए, तो इसकी लोकेशन है नीदरलैंड हेग में। अब ये आपको ध्यान रखना होगा कि और जो प्रिंसिपल है, रेस्ट ऑफ 5 प्रिंसिपल जो है वो यूएसए में न्यूयॉर्क में ही लोकेटेड है, जबकि एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ही ऐसा है जो नीदरलैंड हेग में एस्टैब्लिश है, या वहाँ से वो काम करता है। सो ये सब कुछ था। और इनके जजेस को भी कौन इलेक्ट करता है, जनरल असेंबली। और अब आप ये पूछेंगे कि ये यहाँ पे जजेस बनते कैसे हैं, तो जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं, वही रिकमेंड करके आगे जाते हैं, या डिफरेंट कंट्रीज से वो वहाँ पर पहुँचते हैं। सो ये सब कुछ थे हमारे जो भी प्रिंसिपल्स हैं। इसमें अगर मैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपको दिखाऊँ तो वो है
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये है, दिस इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब इसमें हम देख सकते हैं कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ तो 11 ही है, बट टोटल 15 जजेस होते हैं, मे बी पिक्चर में नहीं आए होंगे। सो ये सब कुछ मैंने आपको प्रिंसिपल्स के बारे में बताया कि क्या प्रिंसिपल्स हैं, कैसे काम करते हैं, ऑल दिस हमने डिस्कस किया। नाउ ये सारे प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताए एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे प्रिंसिपल्स जो हैं समझ में आए होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू आर फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। टिल देन टेक केयर, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।